भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बेचारा भूत करेजा लेकर बैठ जाएगा कि लो भैया हम तो नहीं जाएंगे नाचने के लिए, अभी कोई बात हुई, हमारे पास यही काम रहेगा बीजेपी के बूथ पर जाकर ठुमका लगाएं और ठमक ठमक कर नाचें। बस हैरान मत हो गया, अखिलेश यादव बोल रहे थे कि जब बकायदा चुनाव खत्म हो जाएगा तो बीजेपी के बूथ पर बकायदा भूत नाचेंगे, ठमक ठमक कर नाचेंगे, ठुमका लगा के नाचेंगे। बस अब बुद्ध धर्म की पंचशील वाली पट्टी इनको बकायदा शैलेंद्र जी ने पहनाई थी, जैसे बकायदा उन्होंने खटोले से उतरे अखिलेश यादव तुरंत इनका सम्मान शुरू हो गया। आगे सुने का बोले, ये जो सौसा बता रहा है कि बाराबंकी में इस बार किसी का खाता नहीं खुलने वाला, मैं तो अपना वोट डाल के आया हूं आज और साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाला है, ये जन समर्थन भी जब वोट डालेगा, जब एक एक वोट पड़ेगा तो न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब अखिलेश यादव तो भैया कहने लगे कि देखो पहली बार हमने देखा जहां जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही है और बाराबंकी जिले की जनता का जनसैलाब देखने के बाद और जोश उत्साह देखने के बाद क्या होता, अखिलेश यादव गदगद हो गए। वैसे बीजेपी के एक दो छोरी भैया यहां पर बागी नेता भी दिख रहे थे, पानी बकायदा मुंह लगा रखे थे, ज्यादा नहीं बोलेंगे उनको बुरा लग जाएगा। फिलहाल आगे सुनिए, अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी वाले जो छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं और सबसे बड़ा नेता तो एक नंबर का झूठे है। भैया खुद सुन लो, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें जनता खुद चुनाव लड़ रही है, जनता आगे आगे चल रही है, हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। बताओ ये चुनाव है कि नहीं है जनता का चुनाव? जो बात लोग कह रहे थे कि खदेड़ा होना है, इस बार जनता खदेड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनके नेता झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने जो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं इनके बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ इनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे किसान जानते होंगे उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। बीजेपी के लोगों ने कहा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों और किसान के परिवार के आप सब बेटे खड़े हो, बताओ किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो? और अभी जब धान बेचना पड़ा, न खरीद केंद्र थे और न धान खरीदा गया, इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हो सकता किसानों को जो इस बार हुआ है। आप जब खाद लेने गए तो बताओ किसान भाइयों आपको खाद मिल गई क्या? न डीएपी मिली, और घर आके जब बोरी देखी होगी तो बताओ बोरी में से चोरी हुई कि नहीं हुई? हमारे नौजवानों को वादा किया कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी 70 लाख, किसी को नौकरी मिली हो तो बता दो? नौकरी मिलना तो दूर, नौकरी छिन गई, रोजगार मिले नहीं किसी को। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, ये गर्मी निकालने वालों को अभी पता नहीं है कि अभी तो बाराबंकी में वोट पड़ना बाकी है, अभी यह आपके यहां आए तो नहीं, आने वाले होंगे। ये गर्मी निकालने वालों को हम बता दें, जब पहले चरण में वोट पड़ा
और जैसे ही वोट पड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, और दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता सुन्न हो गए, और अभी तीसरे चरण का वोट पड़ना पड़ गया है अभी, और बाराबंकी के वोट डालेंगे तो शून्य हो जाएंगे शून्य। और जब चुनाव बाराबंकी से आजमगढ़ की तरफ और गाजीपुर बलिया जाएगा, मिर्जापुर सोनभद्र चुनाव जाएगा, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। अब भैया लगता नहीं बीजेपी की सरकार आने वाली है, मुश्किलत भैया अगर खाता खुल गया बाराबंकी जिले में तो बहुत ही बड़ी बात है। काहे के लिए बकायदा बाराबंकी जिले में जब मतदान होगा तो सन्नाटा पसर जाएगा, बकायदा भूत लौटेगा। पर 10 मार्च को क्या होता है देखना जरूर है। पर फिलहाल बाराबंकी जब से उत्तर प्रदेश के लिए आदर साहब के साथ A24 की बैठक। वीडियो कैसे लगी आप सभी को कमेंट कर बताना, वीडियो को शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। देखो दमदार खबरें इससे मिलेंगी सबसे के साथ।